नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। मैं धर्मेंद्र शाह, LIC फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों आज एक और प्लान आपके बीच लेकर आया हूँ जिसका नाम है जीवन तरुण, टेबल नंबर 934। दोस्तों ये प्लान स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन के लिए है। तो आज हम जानेंगे इस प्लान के अंदर कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है और इस प्लान को आपको क्यों लेना चाहिए। तो आज मैं सब कुछ डिटेल में बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, आज मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको पूरा डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जीवन तरुण जो है एक प्रॉफिट प्लान है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। स्पेशल डिज़ाइन किया गया है एजुकेशन के लिए, ताकि जो आपके बच्चे हैं उनका एजुकेशन के समय आपको कुछ पैसा मिले, ताकि आप उस पैसे का उनके एडमिशन फ़ीस के लिए या उनका जो भी ट्यूशन फीस के लिए आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि इस प्लान को स्पेशल डिज़ाइन किया गया है एजुकेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये प्लान जो है नॉन लिंक्ड है, मतलब इस प्लान का शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर एक समझिए कि एक प्रॉफिट प्लान है, फ्यूचर में कोई रिस्क नहीं इस प्लान का। तो दोस्तों इसमें मोड की बात करें तो प्रीमियम पेइंग मोड जो है आपको सबको पता ही है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, चार मोड आपको मिलते हैं। यहाँ पे टर्म की बात करें तो एज एट मेच्योरिटी टाइम, मतलब 25 साल की एज में पॉलिसी मेच्योर हो जाएगा, मतलब 25 माइनस एज एट एंट्री, मतलब सपोज करिए आपके बच्चे का एज 5 साल है तो 25 माइनस 5 साल ऐसा कुछ होगा, ठीक है। PPT होगा 20 माइनस जो भी बच्चे का एज होगा वो माइनस हो जाएगा। मिनिमम एंट्री एज जो रखा गया है वो 0 साल है, मैक्सिमम जो रखा गया है 12 साल, यानी 0 साल से लेकर 12 साल तक आप टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड है 75,000 रुपये का, मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑन डेथ पे क्या मिलेगा, ऑन डेथ बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब रिस्क कवर शुरू होने से पहले इन केस डेथ होता है, उस सिचुएशन में जो भी प्रीमियम पे किया होगा एक्सक्लूड टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम, वो माइनस होके वो जो भी होगा नॉमिनी उनको दे दिया जाएगा। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिक्स, मतलब जब रिक्स कवर चालू हो जाता है उस सिचुएशन में नॉमिनी को क्या मिलेगा, मतलब सम शॉर्ट प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्सिंग बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये तीन चीज़ें इंक्लूड होकर दे दिया जाएगा। ऑन सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो क्या मिलेगा, ये पहला ऑप्शन में है कि या तो आप पूरा मेच्योरिटी पे 100% ले लीजिए, या सेकेंड ऑप्शन में आता है कि सम शॉर्ट का 5% एवरी ईयर, मतलब 5 साल कंटिन्यूस, यानी 20 साल से लेकर 24 साल तक सम शॉर्ट का 5% हर एक साल मिलेगा। आप वो पैसे का आप बच्चे के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस 75% ओके मेच्योरिटी बेनिफिट, 75% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस जो भी होगा वो इंक्लूड होकर मेच्योरिटी में मिल जाएगा। अब आता है तीसरा ऑप्शन आता है सम अश्योर्ड का, आप 10% ले सकते हैं और मेच्योरिटी पे आपको 50% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस जो भी बोनस वगैरह वो मिलेगा, यानी फोर ऑप्शन भी है उसमें, सम अश्योर्ड का 15% भी ले सकते हैं। सरेंडर की बात करें तो आप 2 साल के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, 2 साल के बाद आप लोन भी ले सकते हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट भी है 80C के तहत, आप इनकम टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं, और इसका जो मेच्योरिटी का जो भी पैसा है वो टैक्स फ्री रहेगा, मतलब उस पर कोई भी आपने टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को। तो दोस्तों ये फीचर्स था, मैंने आपको समझा दिया है। अब 2-3 एग्जाम्पल भी लूँगा, एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्यों ये अच्छा प्लान है, आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर सपोज करिए आपके बच्चे का एज 5 साल है, आपके बच्चा इस 5 साल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सम अश्योर्ड का 15% मतलब 15% लिया है, ऑप्शन जो लिया है यहाँ पे सपोज़ के लिए मैंने 75,000 का सम अश्योर्ड लिया है। फादर का एज मैंने ले लिया पे 32, मतलब इन केस फादर को कुछ होता है तो फ्यूचर की जो भी प्रीमियम रहेगा वो वैप हो जाएगा, मतलब कि आप उसके बाद पे नहीं करना है, बेनिफिट सेम मिलेगा आपको। अब मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने 5 साल का बच्चा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया है 75,000 रुपये का सम अश्योर्ड, बहुत कम लिया है, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है। तो यहाँ पर क्या है, टर्म रहेगा 20 साल, PPT रहेगा हमारा 15 साल, मतलब 15 साल प्रीमियम पे करना है, PPT रहेगा हमारा 20 साल, सम अश्योर्ड हमने रखा है 75,000 रुपये का। यहाँ पे डेथ सम अश्योर्ड रहेगा 93,750 रुपये का। हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है 4, जहाँ पर सम अश्योर्ड का 15% हमें 20 साल से लेकर 24 साल तक मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो मंथली प्रीमियम बनेगा 437 रुपया पर मंथ बनेगा, ध्यान रखिएगा, मंथली प्रीमियम 437 रुपये बनेगा फर्स्ट ईयर, और 2 साल से लेकर 15 साल तक जो प्रीमियम पे करना है आपको 427 रुपया पर मंथ करना है, यानी कि टोटल जो हमारा पैड होता है प्रीमियम वो होता है 75,500 रुपये 15 साल के अंदर, और 20 साल से लेकर 24 साल तक, यानी लगातार 5 साल हमें, मतलब बच्चे के एजुकेशन के लिए 11,250 रुपये मिलता है। और यहाँ पर जैसे ही बच्चा 25 साल का होता है तो उसमें उनको 87,000 रुपये मिल जाता है, लगभग दोनों को ऐड किया जाए तो वो बन जाता है
143,250, मतलब 75,500 रुपये जमा हुआ यहाँ पे और 143,250 रुपये आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये पहला मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एज लिया गया है बच्चे का 12 साल, टर्म रहेगा 13 साल, पीपीटी रहेगा 8 साल, मतलब 8 साल ही प्रीमियम पे करना है, उसके बाद प्रीमियम पे नहीं करना है। 5 लाख का सम शुड है, 10 सम शुड रहेगा 6,25,000 रुपये का, और जैसे कि मैंने ऑप्शन 4 सेलेक्ट किया है इसमें सम शुड का 15% मिलेगा, मतलब 20 साल से लेकर 24 साल तक, मतलब यहाँ पे जो मंथली प्रीमियम बनेगा 5,411 रुपया पर मंथ बनेगा फर्स्ट ईयर। 2 साल से लेकर 8 साल तक जो प्रीमियम पे करना है वो बनेगा 5,295 रुपये। इन टोटल जो मेरा प्रीमियम पैड हुआ वो तो 4,99,000, लगभग 5 लाख के आसपास मेरा टोटल प्रीमियम गया 8 साल के अंदर। और यहाँ पर जैसे ही बच्चे का 20 साल से लेकर 24 साल तक का एज में हर एक साल उसको मिलेगा 75,000 रुपये उसके एजुकेशन के लिए, और जैसे ही बच्चा 25 साल का हो जाता है तो 3,72,000 रुपये अमाउंट मिल जाता है। लगभग टोटल ऐड किया जाए तो 7,47,000 रुपये होता है, लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 5,00,000 रुपये और 7,47,000 रुपये मिला। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, इस प्लान के अंदर मैंने बच्चे का एज लिया 12 साल, 13 साल का टर्म है, 8 साल का पीपीटी है, मतलब 8 साल प्रीमियम पे करना है, 5 लाख का सम शोड है, और यहाँ पे मैंने प्रीमियम वेवर बेनिफिट का ऑप्शन लिया है। ईयरली प्रीमियम बनेगा यहाँ पे 63,576, यहाँ पे टोटल जो हमारा 8 साल के अंदर पेड हुआ प्रीमियम वो लगभग 5,00,000 रुपये होता है। और दोस्तों जैसे ही बच्चा 20 साल का होगा, 20 साल से लेकर 24 साल तक का होगा, तो उसमें हर एक साल उसको 75,000 रुपये मिलेगा उसके एजुकेशन के लिए, और जैसे ही बच्चा 25 साल का होता है तो वहाँ पे 3,72,000 रुपये का यहाँ पे मिल जाता है अमाउंट, वो टैक्स फ्री, तो वो बच्चे के एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, बच्चे का एज सपोज 1 साल का बच्चा है, ठीक है, सेम प्लान है, सेम है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों, 1 साल का बच्चा है तो इसके अंदर क्या आएगा, 24 टर्म रहेगा 24 साल का, पीपीटी रहेगा 19 साल का, ठीक है। यहाँ पे सम शूट रहेगा हमारा 5,00,000 रुपये का, यहाँ पे जो मंथली प्रीमियम बनेगा, प्रीमियम देखिएगा कितना बनेगा, 2,159 रुपया पर मंथ, यानी जो मेरा 19 साल के अंदर टोटल जो प्रीमियम गया 4,71,612 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, और यहाँ पे 20 साल से लेकर 24 साल तक हर एक साल मुझे 75,000 रुपये का अमाउंट मिला, ठीक है, मतलब बच्चे के एजुकेशन के लिए, प्लस जैसे ही बच्चा 25 साल का होगा तो उस समय बच्चे को 8,76,000 रुपये का अमाउंट मिल जाएगा। मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ इस प्लान के अंदर वो होता है 4,71,612 और टोटल जो रिटर्न हुआ 12,51,000 रुपये। तो दोस्तों इस प्लान को आप बेटी के मैरिज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या ऑप्शन है। सपोज करिए बच्ची का एज है 2 साल, ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ नो सर्वाइवल बेनिफिट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है नो सर्वाइवल बेनिफिट, मेच्योरिटी बेनिफिट 100%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 लाख का सम शोड लेता हूँ, फादर का एज ले लेता हूँ यहाँ पे 25 साल ले लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ पर प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले लिया 25 साल, इनकेस फादर की कुछ डेथ होती है उस सिचुएशन में प्रीमियम वेव हो जाएगा, प्लस बेटी का शादी होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ दोस्तों, अगर मैं 5 लाख का सम शोड लेता हूँ तो वहाँ पर मेरा जो प्रीमियम बनता है 2,077 रुपये पर मंथ बनता है, मुझे प्रीमियम पे करना है 18 साल, मतलब 18 साल के अंदर जो टोटल प्रीमियम पैड होता है वो होता है 4,30,000 रुपये, और जैसे ही गुड़िया 25 साल की होती है तो उस सिचुएशन में 11,77,000 रुपये मिलता है उसके शादी के लिए। तो दोस्तों इस प्लान को आप शादी के लिए भी ले सकते हैं, बच्चे के एजुकेशन के लिए भी ले सकते हैं। तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए बहुत ही अच्छा प्लान है जीवन तरुण। तो दोस्तों टेबल नंबर 934 है, याद रखिएगा, किसी भी LIC के एडवाइज़र भाई से या किसी भी लोकल ब्रांच में जाकर अगर इस प्लान को आप लेना चाहते हैं तो आप टेबल नंबर 934 बता दीजिएगा, जीवन तरुण बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपके पास बेनिफिट्स हैं, और इसमें आपको एक तो एजुकेशन के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं, या अपने बेटी के मैरिज के लिए भी इस पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तरफ